तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो ये क्लास टेंथ की बुक में है, क्लास टेंथ की बुक में से हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है फेडरलिज्म पॉलिटी के अंदर आता है। तो बेसिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी से, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको एक टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, या आप कोई बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या इन जनरल आप एक इंडिविजुअल हैं किसी भी देश के, तो ये आप लेक्चर सुन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो होती है बहुत बेसिक से उठा कर समझाती है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। तो देखिए क्या होता है कि भाई, लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो देखिए, इसके पहले एक चैप्टर था उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इसने पढ़ा था, पढ़ाया होगा, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखिए, बेल्जियम में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया गया था, और रीजनल गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायत और इनको यहाँ पे पावर्स को बढ़ाया गया था। तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम एक देश है यूरोप के अंदर, बेल्जियम में पहले जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, पावर्स उनके पास पहले भी थी, लेकिन अब जो है उनका रूल्स और उनकी पावर्स जो है बढ़ाती थी। सो बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। लेकिन ये सब जो पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, और कभी भी इनको विड्रॉ किया सकता है। चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल पावर वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले की जो बात थी वो क्या था कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, ताकि जो है जो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस चीज़ों को छीन ना सके किसी भी तरह से, ठीक है। तो 1993 में ऐसा हुआ था। सो देन बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी, तो बेल्जियम में पहले क्या था, यूनिटरी मॉडल था, अब क्या हो गया, फेडरल मॉडल हो गया। तो यूनिटरी और फेडरल का मतलब समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आपको। तो भारत में क्या है, देखिए भारत ऐसा देश है ना, जो भी है, एक सेकंड, सही नहीं मिला, इस तरह से इंडिया है ना। अब इंडिया में यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली सेंटर है और बाकी सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो स्टेट्स हैं। तो एक पूरा देश था, एक ब्लॉक था हमारा, इसको हमने काट के जो है ये बनाया है, पूरा राज्य बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो झुकाव है ना, वो हमारे मिक्स है, यूनिटरी भी है फेडरल भी है, लेकिन हमारा थोड़ा झुकाव जो है यूनिटरी ज़्यादा है, क्योंकि हमने ना सेंटर को स्ट्रॉन्ग करा किसी किसी चीज़ों में, जैसे कि जो विदेशों से जुड़े मामले हैं, रक्षा से जुड़े मामले हैं, या जो फेडरल फीचर्स के जो मामले हैं उसमें दोनों को बराबर पावर है, लेकिन बाकी जो मामले हैं उसमें जो है हमने यूनियन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है कंपेयर टू दिस स्टेट्स। तो दोनों तरह के फीचर्स हैं, ये हम किसी दिन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कौन कौन से फीचर फेडरल हैं, कौन कौन से जो हैं यूनिटरी हैं। अभी फिलहाल आपके बुक में जो लिखा है उनको पढ़ते हैं। तो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी और फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेज यूनिटरी सिस्टम। लेकिन श्रीलंका क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए, बेल्जियम में जब सेंटर से पावर कम करके इस पावर को स्थानांतरित कर दिया एंड ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो लोकल रीजनल पावर्स होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत, इनको अगर हम पावर जैसे सपोज करो आज टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर ये कल को ट्रांसफ़र करके पंचायत या म्यूनसिपल बोर्ड के पास देते हैं, तो म्यूनसिपल बोर्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसलिए वो जो सिस्टम को यूनिटरी नहीं बोल के फेडरल बोल देंगे। तो अभी जो है उस तरह से अगर हम देखें तो फेडरल की तरफ ज़्यादा झुकाव है हमारा, है ना। तो श्रीलंका का एग्जांपल दे रहे कि ये यूनिटरी है, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज, तो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स है। और तमें अभी तो इसमें रिसेंटली उन्होंने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया है,